हेलो बच्चों, मैं हूं वर्षित सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपको हाई स्कूल का टॉपिक पढ़ा रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ट्रिग्नोमेट्री का ये सेकंड टॉपिक है आपका। पहला हमने लोड कर चुका है, आप पहला देखिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा इसमें करना क्या है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन होता क्या है, इसमें आपका CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, ICSE बोर्ड तीनों में ये चीज़ कॉमन है। अब इसमें क्वेश्चन होता क्या है, आपको हमने पहले वाले टॉपिक में बताया था, एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कॉस सेक थीटा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब ट्रिग्नोमेट्री में इन छह चीज़ों का यूज़ है। पहले हमने जो यूज़ करवाया था वो PBP अपॉन HHB, दो साइड दे रखी, तीसरी साइड लानी। अब जो टॉपिक है आपका, इसमें क्या क्वेश्चन होगा आपकी किताब का है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये आपका बनेगा कॉस 90 माइनस थीटा, ये आपका है टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन का जो चेंज होता है वो होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन डेटा। ये आपको याद करना है या थोड़ा सा को रिलेटेड करके याद करिए तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप किसी घर जा रहे हो, अगर आप किसी घर में जाते हो तो आप पड़ोसी से कहते जाते आइएगा, हमारे घर देखते रहिएगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा, तो कॉस किससे कह के जाएगा, साइन से। ऐसे टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर भाई कॉट टेन से कहेगा तो टेन किससे कहेगा, कॉट से ही तो कहेगा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर, ये आपको याद करना है या कोरिलेशन करके आपको याद कर लेना है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। आज हम जितने क्वेश्चन कराएंगे आपको इसी से रिलेटेड आपको कराएंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है जो आपके पेपरों में आता है, कॉट 50 डिग्री अपॉन टेन 40 डिग्री, ये एक नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाता है। कॉट 50 डिग्री अपॉन टेन 40 डिग्री है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई करना है। तो कॉट 50 और टेन 40, अब इसमें देखिएगा आप कोरिलेशन करिएगा तो आपको 100% क्वेश्चन दिया गया हो, या तो ये इससे रिलेटेड दिया होगा या इससे रिलेटेड दिया होगा। अब इसमें करते क्या है, किसी एक को चेंज करिए, चाहे ऊपर वाले चेंज करिए चाहे नीचे। ऊपर का मतलब होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर, या उसी को हिंदी में कहते हैं अंश, इसे कहते हैं हर। या तो अंश को चेंज करिए या तो हर को चेंज करिए। अगर ऊपर हम चेंज कर रहे हैं तो कॉट 90 माइनस 50 को तो क्या हम लिख सकते हैं, 90 माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर 90 में से 40 माइनस करिएगा तो 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपका। अब कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आपको क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका टेन कितना 40 डिग्री, ये जो हमारा है वो क्या है थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या था टेन 40 डिग्री, टेन 40 डिग्री, ये क्या सिंप्लीफाई हो गया, आंसर कितना है 1। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, अब इसे ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन अभी लगवाते हैं आपका। अब दूसरा क्वेश्चन आपका, ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दो बार लगाइएगा आपको समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है साइन 27 डिग्री अपॉन
कॉस 63 डिग्री, साइन 26 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री। इसमें भी कंडीशन बेटे हमने आपको क्या बताई है, या तो न्यूमरेटर को चेंज करिए या तो डिनोमिनेटर को चेंज करिए। अगर न्यूमरेटर को चेंज कर रहा है तो साइन 90 डिग्री माइनस 90 में से अगर 63 माइनस कर दिएगा अपॉन कॉस 63 डिग्री। देखिए माइनस करिएगा तो 27 आएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, इसलिए फार्मूला हमने इरेज नहीं किया। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा कितना है 63 अपॉन कितना है कॉस 63 डिग्री, ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर कितना है 1। ठीक, अब हम तीसरा क्वेश्चन बताते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा, बस देखिएगा फिर आपको समझ में आ जाएगा जल्दी क्या करना है आपको। अब थर्ड क्वेश्चन आपका, इसलिए हम आपको खुद ही क्वेश्चन पूरे लगवा दे रहे हैं, आप उसी को रिवीजन कर लिएगा तो आपको एक्स्ट्रा आपको परेशानी नहीं आएगी। तीसरा क्वेश्चन है, टू साइन 43 डिग्री अपॉन कॉस 47 डिग्री माइनस कॉट 37 डिग्री अपॉन टेन 53 डिग्री माइनस अंडर रूट ऑफ टू इंटू कॉस 45 डिग्री इजुकल टू, हमें प्रूव्ड क्या करना है 0, इजुकल टू क्या करना है 0। अब आपको ये फार्मूला तो याद हो ही गया होगा इसलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, से आपको याद रखना है, जितनी बार आप फार्मूला लिखिएगा उतना आपको याद हो जाएगा। अब देखिए बेटे इसमें करना क्या हमको, वही चीज़, अब देखिए ये टू तो आपका डिजिट है, टू में तो कुछ करना नहीं है। अब इन दोनों में आपस में रिलेशन होगा, तो साइन 43 को अगर हम लिखना चाहें तो साइन 90 माइनस 47 कन्वर्ट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, और जब ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होते तो कन्फर्म को रिलेशन होगा, तो इसको हम लिखेंगे कॉट 90 माइनस कितना 53, कॉस 90 माइनस 53 और नीचे कितना दे रखा है टेन 53 डिग्री माइनस रूट टू, ये कॉस 45 की वैल्यू होती है, आप चैप्टर देखिएगा इसमें वैल्यू होती है, साइन साइन की 0, 30, 45, 60, 90, 5 होते हैं, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो आपको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये भी आपको टेबल आपको याद करना पड़ेगा, ये उसमें है, क्लियर हुआ। अब देखिए टू आपका टू रहा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन किसका रिसिप्रोकल होता है, रिसिप्रोकल तो कॉसेक का होता है, लेकिन चेंज किस में होगा कॉस में, कॉस 47 डिग्री अपॉन कॉस 47 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, कितना होता है बेटा टेन थीटा, नीचे भी कितना हो गया टेन थीटा 53 डिग्री माइनस रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ गया 1, ये चीज़ आपकी कैंसिल हो गई, ये चीज़ कैंसिल हो गई। अब आपका आ गया 2 माइनस 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, हमें प्रूविंग क्या करनी थी 0। जितने बड़े क्वेश्चन हैं लेकिन आपको रूल के अकॉर्डिंग नहीं भटकना, आप जो कहता जाए वो आप करते जाइए, वो आपको अपने आप आंसर आ जाएगा, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको उसके अलावा कोई फार्मूला यूज़ होना नहीं है, ये तो आपका इजी वाला हो गया। अब इसे थोड़ा सा लेवल हाई कर रहे हैं लेकिन टॉपिक आपका यही है, इसलिए हम हर वीडियो में एक जैसे टॉपिक हम करवाते हैं, इसमें आपको परेशानी ना हो। देखिए अब बेटा क्वेश्चन क्या है आपका, टेन 35 डिग्री इंटू टेन 40 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री इंटू टेन 50 डिग्री इंटू टेन 55 डिग्री इज इक्वल टू, हमें प्रूविंग क्या करनी है 1।
अभी हमने आपको बताया था अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो उसमें कोई रिलेशन होगा। अब इसमें ये तो सब मल्टीप्लाई में है, अब इसमें आपको खुद दिमाग लगाना है कौन सा किससे रिलेटेड है, और जो भी यूज़ होना है वो 90 माइनस थीटा में ही यूज़ होना है। अब देखिए 35 का रिलेशन अगर 55 में है कि नहीं है, अगर 90 में से 55 माइनस कर दें, देखिए इधर कह रही है 5, यहाँ आ गया 8 आया, तो इससे आपको ये समझ में आया ये इससे रिलेशन है 40 की, और इसकी वैल्यू हमको पता है कॉस 10 45 की, क्योंकि हमें वैल्यू जो पता है वो किसकी वैल्यू है 0, 30, 45, 60 और 90। हमें इन्हीं पांच चीज़ों की वैल्यू पता होती है 0, 30, 45, 60 और 90। ये 45 की वैल्यू, अब इन दोनों को लाइट हमको पास पास ले आइए, पहले 10, 35 के पास जो ले आएंगे वो कितना जाएगा 10, 55। ये आपको दिमाग में आ गया, हमें इन दोनों को आपस में चेंज करना है, और क्या करना है 10, 40 डिग्री इंटू 10, 50 डिग्री। हमने दिमाग लगाया इन दोनों को हमें पास पास अरेंज करना है, और 10, 40, 10, 45 ये अकेला है और इसकी हमें वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू रख देंगे। अब देखिए इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे, चाहे हम 35 को चेंज करें या 55 को, या 40 को चेंज करें या 50 को चेंज करें। अगर इसको हम चेंज कर रहे हैं 10, 90 माइनस 55 डिग्री, इसको ऐसे रहने दीजिएगा 10, 55 डिग्री। ये हमने नीचे लाइन इसलिए खींची आपको दिमाग में रहा है हमें ये चीज़ चेंज करनी है, इन दोनों में किसी चेंज को करिए 10, 90 माइनस कितना डिग्री होगा बेटा 50 डिग्री, 90 में से 50 माइनस करें तो 40 आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिखना है, और 10, 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, 10, 45 की वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं 10, 45 की वैल्यू होती है 1, ये आपका किताब उठाइएगा उसमें टेबल बना हुआ है वो आपको याद करना है, इसको हम बनाना भी सिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब 10, 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉट थीटा, क्या होता है बेटा कॉट थीटा, ये हो जाएगा 10, 55। दिमाग में आपको ये याद रखना है ये दोनों आपस में रिलेशन होना चाहिए, 10, 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा 10, 50 डिग्री, ये इसको ऐसे लिख देना है, और 10, 45 की वैल्यू आपने रखी दी थी। अब देखिए ये कॉट है और ये 10 है, इसके पहले वाले में हमने आपको बताया था 10 थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 थीटा। पहला टॉपिक जो हमने पढ़ाया था, किसी भी हमने आपको बताया था यूट्यूब से या ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं पढ़ना है, जो चैप्टर पढ़िए पूरे चैप्टर पढ़िए, मैं हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको दूसरे वीडियो में और समझ में आएगा, अगर दूसरा वीडियो देख रहे हैं तो पहले से रिलेशन है तो थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आओ, तो इससे पहले वाला वीडियो पहले देखिए उसके बाद ये वीडियो देखे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है 10 थीटा हो गया। अब कॉट को हम चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन 10, 55, ये आपका है 10, 55, क्लियर हुआ। अब इस कॉट को हम चेंज करेंगे 1 अपॉन 10, 10 कितना 50 डिग्री इंटू 10, 50 डिग्री, ये चीज़ कैंसिल हो गई, ये चीज़ कैंसिल हो गई, तो आंसर टोटल कितना आया 1। समझ में आया कि नहीं आया, बस आपको दिमाग लगाना है कौन किससे रिलेटेड है, इसलिए हम आराम आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन इसलिए लगवा रहे हैं आपको कोई परेशानी ना, आपको ये नहीं दिमाग लगाना हमको क्या करना है, बस आप देखो कौन सा किससे रिलेटेड है, जिससे रिलेटेड होगा वो आपका आंसर आएगा। अब आप इसके बाद वाला क्वेश्चन, या तो प्रूविंग पूछी आएगी तो वैल्यू पूछी आएगी,
देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन आपका यह है, सेम क्वेश्चन आपका है, टेन 5 डिग्री इंटू टेन 25 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री इंटू टेन 65 डिग्री इंटू टेन 85 डिग्री। टेन 85 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 हमें प्रूविंग करनी है, 1/√3। अब हमें देखिए कुछ करना नहीं, हमने क्या कहा है आपको, जो क्वेश्चन है पहले देखिए कौन किससे रिलेटेड है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने बताया है वही चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। इसमें करना क्या है ध्यान से देखिएगा, देखिए 5 और 85 रिलेशन है, क्योंकि 90 में से 5 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 85। तो इन दोनों को पास पास लाइए, टेन 5 डिग्री इंटू टेन 85 डिग्री। आपके दिमाग में आ गया ये दोनों आपस में रिलेटेड है। अब 25 और 65 रिलेटेड है, टेन 25 के पास क्या लाएंगे, टेन 65। और टेन 30 की वैल्यू आपको पता है, इसको हमने अलग रख दिया, ये नीचे लाइन खींचने से ये मतलब है आपको ये पता लगेगा ये इससे रिलेटेड है ये इससे रिलेटेड है। अब देखिए या तो हम इसको चेंज करिए या तो इसको चेंज करिए, टेन 5 को अगर हम चेंज करेंगे तो टेन 90 माइनस कितना बेटा 85, 90 माइनस 85 इसको हम लिखेंगे टेन 85। ये आपका हो गया, इसको हम चेंज करेंगे टेन 90 माइनस 65 और टेन 65 को ऐसे ही रहने देंगे। टेन 30 वैल्यू आपको पता है √3, टेन 30 वैल्यू होती है टेन थर्टी इज इक्वल टू 1/√3, ये आपको याद रखनी है टेबल में। अब देखिए टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, कितना होता है बेटा कॉट थीटा, इसको आप टेन 85 ही रहने दिए, ये आपके दिमाग में आ गया, ये आपस में रिलेशन है। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, थीटा कितना है 65, टेन 65 इसको ऐसे रहने दिए, इसकी वैल्यू आ गई 1/√3। अब देखिए कॉट टेन है, या तो कॉट को चेंज करिए या टेन चेंज, अभी आपको बताया था रिसिप्रोकल वाली कंडीशन होती है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot θ और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan θ। अगर cot थीटा को लिखेंगे तो 1/tan 85 डिग्री लिख सकते हैं, इसको टेन 85 वैसे रहने दिए, इसको हम चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/tan 65 डिग्री, इसको लिखेंगे 1 tan 65 डिग्री और इधर क्या दे रखा 1/√3। ये चीज़ कैंसिल इससे हो गई, ये इससे कैंसिल हो गए, तो 1 × 1 × 1/√3, तो आंसर कितना है बेटा 1/√3। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, पहला क्वेश्चन हमने बताया जैसे दूसरा क्वेश्चन लगाया, दूसरा बताया फिर हमने याला बताया। अब आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि किताबों में NCERT में सारे क्वेश्चन नहीं अवेलेबल हैं, इसलिए हम आपको दूसरी किताबों से करवा रहे हैं, क्योंकि NCERT तो आपके स्कूल के टीचर भी कराएंगे क्योंकि वही टेक्स्ट बुक में है, टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन, हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन RS अग्रवाल, RD शर्मा या और मियन माइन ABC जितनी किताबें अवेलेबल है हम उसे कलेक्ट करके आपको देते हैं। आपको बोर्ड में अलग से कहीं क्वेश्चन आ जाए तो आपको परेशानी ना हो, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न तो हर किताब में वही होता है। NCERT नॉर्मल किताबों में स्कूल वाले जितने किताब पढ़ा रहे हैं वो NCERT करा रहे हैं, इसलिए हम NCERT से भी रिलेट करके करा रहे हैं। अब क्वेश्चन आपका है देखिए, अब तीसरे तरीके क्वेश्चन है, cos 42 डिग्री माइनस sin 42 48 साइन 48। अब देखिए उसमें रूल क्या था,
उसमें पहले वाले में रूल था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में था, तो हमें पता है इसमें एक लाइन में थी आपके, उसको इसमें हमें देखना है अब साइन 42 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री, अब इसको हमें चेंज करना है। अब इसमें देखिए आप ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें ऐसा रिलेशन देखिए भाई, ऊपर नीचे तो आए नहीं, तो अब ये रिलेशन होगा, तो क्या होगा कॉस 42 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 48, लिख सकते नहीं लिख सकता, साइन 48 कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस किया कितना आया आंसर 1 के 0, आधे लोग यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं इसलिए हमने 1 लिखा था, अगर 1 में से 1 माइनस कर रहे हो तो आएगा 0, अगर 1 इंटू 1 करो तो 1 आएगा, कुछ लोग बच्चे जल्दीबाजी में यही करते हैं, साइन 48 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 0, अगर ये डिवाइड में होता है, क्योंकि बच्चे हाईस्कूल के थोड़े से छोटे होते हैं उतना जल्दीबाजी में जल्दी कर जाते हैं, एग्जाम का प्रेशर तो होता ही है, अगर ये होता तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1, क्लियर हुआ। अब ये आपको समझ में आया कॉस 42 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री, अब इन दोनों का आपस में रिलेशन ज़रूर होगा, इसको चेंज करिए या इसको चेंज करिए। अब देखिए क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड वाला क्वेश्चन, tan 48 डिग्री माइनस cot 42 डिग्री, cot 42 डिग्री, यहाँ पे भी वही आपको ध्यान देना है कौन किससे रिलेटेड है, या तो tan को चेंज करिए या तो cot को चेंज करिए, अगर tan को चेंज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 90 माइनस 42, टेन थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 42, देखिए माइनस करके 48 आ रहा है, इसको आप ऐसे चेंज कर दिए, इसको ऐसे रख दिया, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा कॉट 42 डिग्री, आंसर कितना आया 0। ये जितना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बता रहे हैं, हमने कहते किसी भी अब गवर्नमेंट जॉब की जहाँ एडवांस मैथ आ रही है अब वहाँ इन सब चीज़ों का यूज़ है, बस वहाँ आपको रिलेटेड याद रखना है, ये इससे रिलेटेड है घड़ी आएगा आंसर 0 आएगा, ठीक है, और हाई स्कूल में आपको डिटेल में देखना है क्योंकि आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक। अब ये दो दो तरीके के आपके समझा दिए, अब देखिए एक और तरीका है, इसमें थोड़ा सा बच्चा कन्फ्यूज़ होता है, यही चीज़ साइन 36 प्लस कॉस 36 अपॉन कॉस 54 प्लस साइन 54। अब देखिए बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है वो ध्यान दीजिए, क्योंकि हाई स्कूल के बच्चे हैं भाई, बच्चे हैं तुम लोग तो हो ही, तो आपको समझने में क्या है, देखिए यहाँ अगर इन दोनों में ऊपर न्यूमरेटर में हम अगर रिलेशन बनाएंगे तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, अगर डिनोमिनेटर में क्योंकि दोनों कॉमन है कॉमन नहीं हो सकता, अब क्या कर सकते हैं, ये होल अपॉन में नहीं है, इसके नीचे अपॉन ये भी नहीं है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये डिजिट जो है ये 36 है और ये क्या है 54, 1 कब आता है ये पहले बताइए, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो आपस में बराबर हो, न्यूमरेटर और साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अगर आया तो वैल्यू हमारी कितनी होगी 1, साइन 13 अपॉन साइन 13 अगर आया तो भी आएगा कितना 1, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर बराबर है तो वो आंसर कितना आता है 1, ये आपके दिमाग में है। अब ये ऊपर ऊपर रिलेशन नहीं है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर नहीं है, या तो हम 36 को 54 में कन्वर्ट कर दो या 54 को 36 में कन्वर्ट कर दो, ये चीज़ समझ में आएगी नहीं, अगर हम न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा साइन 90 माइनस 54 लिख सकते हैं, माइनस करके देखे 36 आएगा, इसको भी हम चेंज करेंगे लिखेंगे कॉस 90 माइनस कितना लिखेंगे 54, डिनोमिनेटर में वही रखेंगे, डिनोमिनेटर क्या दे रखा है कॉस 54 डिग्री
प्लस साइन 54 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। डिनोमिनेटर में आपका दे रखा है कॉस 54 प्लस साइन 54, ये बाइनोमियल है जिसको ब्रैकेट बना रही है। देखिए ये पूरी एक चीज है, ये पूरा टर्म है, एक पूरा टर्म है, ये पूरा क्या होगा कैंसिल होगा, आंसर कितना आएगा 1। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान से देखिएगा। इसमें प्रॉब्लम आती है, इसमें आपको देखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डायरेक्ट को रिलेशन नहीं है, लेकिन हमें डिजिट से रिलेशन है। वो 36 है, ये 54 है। चलिए ध्यान से देखिएगा अब इसके बाद वाला क्वेश्चन। मैथ्स पढ़ते रहिए आराम से, एक किसी भी यूट्यूब चैनल पर हमारे में, तो पूरा कोर्स हम कंप्लीट कराएंगे। अब देखिए क्वेश्चन बेटा क्या है, इफ sec 4a इज इक्वल टू cos a माइनस 20, a माइनस, इफ sec 4a इज इक्वल टू cos a माइनस 20, फाइंड दी वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां दे रखा है 4a इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को कहते हैं न्यून कोण, न्यून कोण। देखिए हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों आपके लिए आपको बता रहे हैं, बस आपको एक लाइन का फर्क होता है हिंदी और इंग्लिश का। इफ का मतलब होता है यदि, यदि sec 4a इज इक्वल टू cos a माइनस 20 दे रखा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a लाना है, और ये आपको कंडीशन कह रही, इसका आपको ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, ये आखिरी में आप चेक करने के लिए आपका आंसर सही आया या गलत आया। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो लेस देन 90 हो, लेस देन 90, 1 से लेकर 89 डिग्री तक के आपका एक्यूट एंगल कहलाता है, उसे कहते हैं न्यून कोण। अब देखिए बेटे ये देखिए, इसकी हमें वैल्यू तो पता नहीं, या तो हम किसको चेंज करेंगे, सेक को चेंज करें या तो कोसेक चेंज करें। अगर sec को चेंज करेंगे तो हम इसको यहां लिख सकते हैं sec 90 माइनस, sec 90 माइनस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे cosec 90 माइनस 4 है। देखिए कन्वर्ट करके ये फार्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा, ध्यान से देखना। cos sec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू sec ए होता है। हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि जब इक्वल लिखा हुआ है तो मतलब इक्वल है, इक्वल लिखा है तो मतलब इक्वल है। इधर आपका पोर्शन हमने राइट हैंड साइड हमने क्या लिखा है, cos sec a माइनस 20। अब ये भी cos sec है, ये भी cos sec है, बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग, कंपेयरिंग का मतलब होता है तुलना करने पर, क्या करना बेटा, तुलना करने पर। अब ये आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल बन गया, कोसेक कोसेक बराबर है। अब ए के पास ए ले आइए, ए ये माइनस में है, उधर इंटरचेंज करोगे इसमें आ जाएगा प्लस में, 90 डिग्री ये माइनस में है, इंटरचेंज करोगे इसमें आ जाएगा प्लस में, 5 ए इज इक्वल टू 110, ए इज इक्वल टू 110 बाय 5, 110 बाय 5, तो 110 बाय 5 को सॉल्व करोगे, 5 टू 10 ये आ गया, a की वैल्यू आ गई 22। अब देखिए आपको चेक करना था ये आंसर सही है गलत है, 4a इज एक्यूट एंगल, 4a की अगर वैल्यू हम लाना चाहे तो 4a 4 इंटू क्या रखोगे, a की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 22, तो आंसर कितना है 88 डिग्री, 88 डिग्री आया तो अभी भी लेस देन 90 तो है, तो मतलब ये आंसर हमारा क्या है सही, क्योंकि इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये आपको खुद आंसर चेक करने के लिए दिया है आपने आंसर सही किया या गलत किया। ये चीज़ बेटा समझ में आई कि नहीं आई। एक क्वेश्चन और इसका सेम क्वेश्चन है,
क्वेश्चन आपका है यही, टेन टू ए इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18, ए माइनस 18, यहाँ कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ टू ए इज एक्यूट एंगल, यहाँ टू ए इज एक्यूट एंगल, टू ए न्यून कोण है, टू ए क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब लेस देन 90। अब आपको यही चीज़ करनी है, या तो हम 10 को चेंज करिए या तो कॉट को चेंज करिए। अब हम क्या करेंगे, 10 आपका है, इसको हम नहीं चेंज करेंगे, इसको अगर 10 टू ए को लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस टू ए लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा, कॉट ए माइनस कितना हुआ 18 डिग्री, बाय कंपेयरिंग। और बच्चे आधे लोग होते हैं यहाँ काट देते हैं, अगर काटोगे तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर या बाय कंपेयरिंग, 90 डिग्री माइनस टू ए इज इक्वल टू ए माइनस 18, लाइक टर्म पास पास ले आइए, ए माइनस में है, इंटरचेंज किए थे प्लस में आ गया, 90 प्लस कितना हुआ बेटा 18, ऐड कर दो, 3 ए इज इक्वल टू 108, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 108 डिग्री अपॉन कितना 3 डिग्री, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3 3 9, 3 6 18, तो ए की वैल्यू जो आपकी आई है वो 36 डिग्री। अब चेक करना है, 2 है, ये चेक करने का है, 2 इंटू कितना हुआ 36, आंसर कितना है 72 डिग्री, ये एक्यूट एंगल है, तो मतलब आपका आंसर क्या है सही। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब इसके बाद वाला क्वेश्चन, ये समझ में आया, एक जैसे क्वेश्चन हम आपको इसलिए करवाते हैं, अब आपको एक क्वेश्चन करवा के हटा दे तो फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, तो प्रैक्टिस जब तक बच्चा नहीं करता जब तक के प्रॉब्लम आती है। अब ये क्वेश्चन आपका, टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी, टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी, हमें प्रूव्ड करना है, प्रूव्ड करना है ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए जब क्वेश्चन में कह दिया टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी, तो मतलब रेशियो का है, तो उसकी वैल्यू आपके क्या बराबर, अब हमने क्या बताया, या तो टेन को चेंज करिए या तो कॉट को चेंज करिए, अगर इसको हम टेन ए ऐसे रहने दो, अगर इसको चेंज करें तो हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस बी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो टेन 90 माइनस बी इज इक्वल टू कॉट बी, नेचुरल चीज है, बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी, ये आपका माइनस में है, इधर इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज को क्या कहते हैं ट्रांसपोज भी कहते हैं, या इसी को हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन, माइनस है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, हमें यही तो प्रूविंग करनी थी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, ये आपको क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन इसके बाद और बताना है, वो ज्यादा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, चलिए समझिए, आप लोग के लिए क्वेश्चन हम कई किताबों से ढूंढ के से ले लाते हैं, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिशन की तैयारी या कोई भी चीज़ है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, 50 डिग्री प्लस ए प्लस कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री इज इक्वल टू, हमें 1 प्रूव करनी है,
कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, ये चीज़ है। अब देखिए पहले आप इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको क्योंकि किताबों में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, कॉस 90 माइनस से है, या तो इसको चेंज करें या तो इसको चेंज करें। आपको डायरेक्ट तो देख नहीं रहा, अगर इसको हम लिखना चाहें तो कॉस 90 माइनस 50 माइनस ए लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं भाई। 40 को लिखना चाहे तो 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, माइनस ए है, इसको आप ऐसे रहने दिए। पहले अभी हम यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अगर दो जगह माइंड डाइवर्ट करेंगे तो आप इधर भी आ जाएंगे इधर भी आ जाएंगे। पहले इसमें करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे कोई फार्मूला तो बन नहीं रहा। अगर यहाँ पे हम 90 आगे लिख दो, इन दोनों में कुछ कॉमन ले लें, कितना आ रहा है बेटा 50 प्लस ए, 50 प्लस साइन 50 प्लस ए, क्लियर हुआ? इधर वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे। कॉस 90 माइनस ये हमारे लिए पूरा थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, तो आ जाएगा साइन 50 प्लस ए माइनस साइन 50 प्लस ए, यहाँ पे आंसर कितना आया जीरो। इधर क्वेश्चन तुम्हारा आपका क्या हो गया जीरो। अब इधर वाला क्वेश्चन तो आ गया, अब इधर सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये 40-50 है, ये है आपका। अब दिमाग लगाइए, वन यहाँ पर इस पोर्शन को पूरा हमें वन लाना है। वन क्या है, या तो पूरे डिजिट बराबर आ जाए, या एक आप फार्मूला आपने पढ़ेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन, ये फार्मूला है साइन स्क्वायर डेटा प्लस कॉस स्क्वायर डेटा इक्वल टू वन। अब देखें या तो हम सबको कॉस बदल लें या तो सबको साइन बदल दें। अब दिमाग लगाइए, अगर हम यहाँ न्यूमरेटर में करेंगे कॉस स्क्वायर 40 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, क्यों हमने लिखा ध्यान दिएगा, यही सब चीज़ का नंबर मिलने हैं। इसको हम करेंगे, इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 40 पहले से है, इसको हम चेंज कर दें साइन स्क्वायर, इसी को चेंज कर देते हैं क्योंकि हमने टारगेट लेके चलना है सबको 50 में कन्वर्ट कर दो सबको 50। अगर इस 40 को चेंज करेंगे तो 90 माइनस 50 लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया 50। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, ये न्यूमरेटर में हो गया, ये थोड़ा सा नीचे है ये चीज, और ये कॉस स्क्वायर डेटा को इसको हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, क्लियर? ऊपर न्यूमरेटर हो गया वन, नीचे भी कितना हो गया वन, तो वन अपॉन वन के इक्वल टू वन, आंसर कितना है वन। यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना है, मतलब थोड़ा सा ये लाइन जो है थोड़े से नीचे लिखनी है साइन 50 प्लस ए प्लस, बस ये थोड़ा सा लाइन चेंज हो गई नीचे, गैप नहीं रह गया। फिर से आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस 40 माइनस ए और साइन 50 प्लस है, या तो इसको चेंज करें या तो इसको चेंज करें। अगर 40 माइनस ए को हम लिखना चाहे तो 90 माइनस 50 माइनस ए लिख सकते हैं भाई, 40 को लिखेंगे 90 माइनस 50, 90 तो हो गया, इन दोनों में हमने कॉमन लिया माइनस, तो कॉस 90 माइनस थीटा, ये पूरा पोर्शन जो हमारे लिए हो गया थीटा, थीटा का मतलब कोई होता है डिजिट, कॉस 90 माइनस थीटा हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल होगा जीरो हो गया। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए क्या करना है, या तो हम सबको साइन बदल लो या तो कॉस बदल लो, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो हम सबको एक डिजिट में बदल दें 50-50 या 40-40, या तो सबको 40 बदल लें या सबको 50 बदल दें। अगर हम इसको 40 को 50 बदलना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 50, इसको ऐसे रहन दिया नीचे वो चेंज किया साइन स्क्वायर 90 माइनस 50 आ गया 40, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, स्क्वायर लगा दे स्क्वायर, नीचे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, ये किस फार्मूले से वन आ गया
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दोनों का थीटा बराबर होना चाहिए जब ये 1 आता है। 1 अपॉन 1 का मतलब 1 और 0 प्लस 1 बराबर 1, क्लियर हो गया। अब आपका पहला टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का पहला चैप्टर आपका लमसम तैयार हो गया, ठीक है बच्चा। अब आप लोग को इसको लगाइएगा, हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दे रहे हैं, अगर किसी बच्चे को पर्सनल प्रॉब्लम है 5747102 तो उस पर व्हाट्सएप करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हम उसको व्हाट्सएप पे बता देंगे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। या आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब भी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं इसको आप अपने क्वेश्चन नोट करते रहिए, अभी जब रिविज़न क्लासेस चलाएंगे और कोशिश हमारी है लाइव क्लासेस भी चलाने की, वो संडे संडे लाइव क्लासेस चलेंगे, उसमें आपके डाउट क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे। जितने टॉपिक हमने पढ़ाए, 3 टॉपिक अभी पढ़ा दिए, हमने पहला पढ़ाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा पढ़ाया है मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी से स्टैटिक्स कहते हैं, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जितना भी होगा जब भी थोड़ा सा हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो संडे को सिर्फ डाउट क्लासेस होगा, जितने चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं आप व्हाट्सएप करिए, उससे हम आपको संडे को लाइव क्लासेस में आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है बेटा। 9335747102 अपना नाम क्लास लिखकर व्हाट्सएप करिए, तो आपको व्हाट्सएप भी बता देंगे सॉल्व करके, या यूट्यूब पे बना देंगे वो आपकी, वो तो कितने बच्चों को वांट कहाँ से आ रही है उस पर डिपेंड है, ठीक है बच्चा। अगर आप लोग को हम लोग की मेहनत अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज्ञान ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अदर्स बच्चों में शेयर किए। थैंक यू।